फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। शॉर्ट कट में यामिनी इन्वेस्टमेंट के नाम से इस कंपनी को जानते हैं। देखिए, एक बात तो आज स्पष्ट हो गया कि सब्र का फल प्रॉफिट होता है। मैंने अपने पिछले तमाम वीडियो में जब जब मैंने यामिनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो बनाया, आपको बताया था कि सब्र रखिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा। जिन लोगों ने भी सब्र रखा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे 5% की तेजी एक एक दिन में उनको मिल रही है। होता है जिन लोगों ने भी पेशेंस रखा होगा, उनको दबा के भी पैसा बना होगा इस शेयर में। लेकिन जिन लोगों ने मौका गंवा दिया, जिन लोगों ने सही समय पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए इस स्टॉक में, उससे पहले से जिसके पास इस कंपनी के शेयर्स भी हैं उनको आगे क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले काम की बात करें ताकि जो नए लोग हैं वो ये समझ सके कि कंपनी में यदि इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उनको पता होनी चाहिए कंपनी क्या काम करती है। तो जैसे आप देख सकते हैं कंपनी इंगेज्ड है, किस चीज़ के बिजनेस में इंगेज्ड है, तो यहाँ पे देखेंगे इन्वेस्टमेंट एंड लाइक लोन्स, मतलब लोन्स वगैरह कंपनी प्रोवाइड कराती है, साथ में कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करती है। अब जैसे अब इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके, कंपनियाँ सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं, रियल एस्टेट में भी इनका बहुत बड़ा निवेश होता है। तो ये एक NBFC कंपनी है, और NBFC कंपनियों का मैं सच बताऊँ तो रियल एस्टेट में इनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि इसमें रिटर्न तगड़ा होता है। और चूंकि इनके पास पैसे की कमी है नहीं, तो इसमें रियल एस्टेट में मोटा पैसा लगाते हैं और दबा के यहाँ से पैसा कमाते हैं। काम के भी आप पे देखिए, कंपनी के शेयर में हमेशा तेजी रहेगी, लॉन्ग टर्म में इसका डिमांड बना रहेगा, क्योंकि कंपनी जिस तरीके की काम करती है वो आने वाले समय में सस्टेनेबल भी रहेगा और डिमांडेबल भी रहेगा। मार्केट कैप यानी कि फंडामेंटल डिस्कस करें तो तकरीबन 70 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, और स्टॉक का पी काफ़ी महंगा है क्योंकि शेयर प्राइस बढ़ गया है। अब शेयर प्राइस बढ़ने की वजह से काफ़ी सारे नए इन्वेस्टर्स भी इसमें आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्टॉक का पी महंगा होगा। लेकिन हम तो चार्ट पर लेवल देख के कंपनी के शेयर को बाई करते हैं, तो हमारे लिए स्टॉक का पी का घटना बढ़ना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए शेयर प्राइस देखेंगे तो 1.34 रुपये है, और ये इसका बुक वैल्यू से ज़्यादा है। यहाँ पे ये प्लस पॉइंट, शेयर प्राइस हमेशा बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात देखेंगे तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो ROC है, यह भी प्लस में माइनस में नहीं है, ये अच्छी बात है। सामान्यतः तो जो पेनी स्टॉक होते हैं उनका रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में होता है, यहाँ पर ऐसा चीज़ नहीं है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कुछ ना कुछ कमा कर दे ही देगी, इस बात की तो पुख्ता गारंटी है। अब चलिए हम लोग आ गए हैं कंपनी के एक साल का चार्ट पर, और यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कि जिनका पहले से इन्वेस्टमेंट है और जिनका नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैंने जब भी इसके ऊपर वीडियो बनाया, पिछले तमाम वीडियो में मैंने कवर किया कि यह स्टॉक अभी कंसोलिडेशन रेंज में है और अभी इसका शेयर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो लेवल है, यहाँ से देखिए 70 पैसा से लेकर 60 पैसा, इसमें पहले स्टॉक जब कंसोलिडेट कर रहा था, तो इस साल अगस्त में इस कंसोलिडेशन से ऊपर निकला और एक स्टेप ऊपर आकर शिफ्ट हो गया, और उसके बाद इस लेवल में आके ये कंसोलिडेट करने लगा। तो आपने देखा कि पहले से एक स्टेप ऊपर आकर ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो इससे भी एक स्टेप ऊपर ही जाएगा। इससे भी ऊपर निकला तो जो लोग समझदार लोग थे वह यहाँ पर एंट्री ले लिए होंगे। जैसे मैंने अपने पिछले तमाम वीडियो में बताया था कि आपको जैसे ही स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेशन से बाहर निकले ऊपर की तरफ, आपको यहीं पर एंट्री लेना होता है, क्योंकि 90 से 95% ये चांस होता है कि जब कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो ऊपर ही जाएगा। और जिन लोग ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं उनके लिए वेल एंड गुड, यहाँ पर जब दबा कर पैसा बना, जाहिर सी बात है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने आया, रिट्रेसमेंट करने के बाद प्राइस ऊपर गया और उसके बाद लगता है ऊपर ही जा रहा है। तो अभी तो जिनका इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए और छूट गया, उन्हें कुछ नहीं करना है क्योंकि प्राइस काफ़ी बढ़ गया है। थोड़ा सा वेट करेंगे, जहां से प्राइस रजिस्ट करके ऊपर थोड़ा सा नीचे आएगा करेक्शन करने, और करेक्ट करके फिर प्राइस ऊपर उठेगा, फिर आप यहाँ पर एंट्री लेंगे। मैं बताऊँगा कहाँ से प्राइस नीचे आने के चांसेज हैं, लेकिन अभी समझिए, अभी जिनके पास पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है उनका पैसा अच्छा खासा बन गया होगा, वो चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या कम से कम 1.5 रुपये के लेवल तक के लिए जा सकते हैं। 1.5 से 2 रुपये के लेवल तक इजीली ये प्राइस आपको जाते हुए दिखेगा, इतना जल्दी नीचे आने नहीं जा रहा। अभी 1.30 रुपये पर कम से कम 1.5 रुपये तक तो जाएगा ही जाएगा। इसको यदि मैं 5 साल के चार्ट पर दिखाऊँ आपको, तो इसका जो मेजर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले 2 रुपये के लेवल पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बताया कम से कम 2 रुपये के लेवल तक के लिए, 1.5 रुपये के बाद 2 रुपये तक आएगा, और उसके बाद मेजर रेजिस्टेंस को तकरीबन 3 रुपये के आसपास स्टॉक मान सकते हैं। लेकिन आप शॉर्ट टर्म में 2 रुपये के लेवल तक ही जाइए, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस देख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार तकरीबन कर सकते हैं यहाँ पे इस स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है। तो आपके पास यदि इन्वेस्टमेंट है तो आप शॉर्ट टर्म में 2 रुपये के लेवल तक ले जाइए, यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कीजिए, और जैसे यहाँ से प्राइस रजिस्ट करके नीचे आने लगेगा, जब प्राइस नीचे आके फिर ऊपर उठेगा, उसके बाद नए बायर यहाँ पे एंट्री लेंगे, या आप एवरेजिंग करना चाहें तो यहाँ पर भी एवरेजिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल नए और पुराने बायर्स को इस स्टॉक में क्या करना है, इसकी जानकारी मैंने दे दी। अब चलिए समझते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे कि कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो रहा है कि नहीं। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करें तो आप देखेंगे कंपनी का सेल्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले जरूर बढ़ा है, और सेल्स नहीं बढ़ा, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है
ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन होते हुए दिखा, लेकिन आप दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने दीजिए, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट में आप देखेंगे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है और साथ में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है यह भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा। हालांकि नेट प्रॉफिट इस बार भी सितंबर क्वार्टर रिजल्ट में बढ़ा नहीं था लेकिन बरोबर रह गया था। तो आपको अब सिंपल वेट करना है कंपनी के क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने का। क्वार्टर थ्री का रिजल्ट यदि अच्छा आया तो कंपनी का शेयर प्राइस 2 रुपये के ऊपर भी आपको जाते हुए दिखेगा। तो जो यामिनी इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई, वो उनके लिए खुशी का दिन है, खुशियाँ मनाएं और आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। कोई भी सवाल होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।